हड़ताली डाक सेवकों ने अर्धनग होकर किया विरोध प्रदर्शन, अपनी कई मांगों को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन, नारे लगाकर जताया रोष। अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवा यूनियन के आह्वान पर ग्रामीण डाक सेवकों ने हड़ताल के सातवें दिन सोमवार को अर्धनग होकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान डाक कर्मियों ने केंद्र सरकार, पीएम, वित्त मंत्री व संचार मंत्री के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। संघ के उपाध्यक्ष सत्यनारायण वैश्य व सचिव नवल श्रीमाली ने बताया कि डाकघरों में मिलने वाली कई अन्य सेवाएं जैसे आधार कार्ड बनाना, बचत बैंक सेवा, पेंशन योजना, ग्रामीण डाक जीवन बीमा, सुकन्या समृद्धि योजना जैसी सेवाएं भी ठप पड़ी है और संबंधित उपभोक्ता परेशान हो रहा है। ब्यावर मंडल के सभी उप डाकघर, ग्रामीण डाकघर भिवानीखेड़ा, बांधनवाड़ा, पीसांगन, जेठाना, सरवाड़, बिनाय, टाटोटी, केकड़ी, रामसर, मांगलेवास आदि के अन्य ग्रामीण डाक सेवकों ने सोमवार को स्थानीय मुख्य डाकघर के सामने विरोध प्रदर्शन कर दिन भर हड़ताल पर बैठे रहे। ग्रामीण डाक सेवक संघ ब्यावर मंडल यूनियन के तत्वाधान में सोमवार को सभी ग्रामीण डाक सेवकों ने अर्धनग्न अवस्था में होकर सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया, डाक विभाग के अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। पिछले 29 माह से कमलेश चंद्र शर्मा की कमेटी की रिपोर्ट जिस सरकार को सौंप दी गई है, उसके बाद भी सरकार हमारी ओर ध्यान नहीं देकर ग्रामीण डाक सेवकों का शोषण कर रही है, उनकी न्यायोचित मांगों को पूरा नहीं कर रही है। इसके विरोध में पूरे भारतवर्ष में अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक यूनियन सहित पांच यूनियन द्वारा हड़ताल की जा रही है। इससे ग्रामीण क्षेत्र की सभी सेवाएं ठप है, सभी डाकघर सूने पड़े हैं, डाक इकट्ठी हो रही सबकी और आवश्यक कार्य ठप हो रखा है। हमारे ब्यावर में मुख्य डाकघर ब्यावर मंडल के सामने भारतीय ग्रामीण डाक सेवक नई दिल्ली के देशव्यापी हड़ताल की आह्वान पर सातवें दिन की हड़ताल जारी रही और हमारी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारी मुख्य मांग है कमलेश चंद कमेटी तो तुरंत प्रभाव से लागू हो, उसको 30 महीना हो चुके हैं, सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठी है, आसमान के अंदर हमारा तालमटाल कर रही है और हमने इसी मामले में तीसरी बार देशव्यापी हड़ताल कर चुके हैं। अध्यक्ष में की उसके पहले सितंबर में की, अभी हमें मजबूर होकर मई में करना पड़ा और आश्वासन के अलावा और कोई मुद्दा